क्या आप भी बालों के झड़ने से परेशान हैं? तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इसके लिए आपको घर का धनिया पत्ती चाहिए और कुछ भी नहीं, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, बस आप ये करके देखिए। इसमें सिर्फ आपको धनिया का पत्ती और पानी चाहिए और कुछ भी नहीं, और आप इसे लगातार करेंगे ना तो इसका इतना इफ़ेक्ट आएगा कि आप खुद दंग ही रह जाएंगे और आके कमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपको धनिया की पत्ती ले लेना है, जड़ हटा देना है, इस तरह से पानी में पीस के थोड़ा सा पानी डालें, इसका थिक पेस्ट बना लेंगे। इसे आप कॉटन से भी लगा सकते हो, ऐसे ही भी लगा सकते हो बिना छाने, लेकिन अगर आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है तो इसे आप छान लें और स्प्रे बॉटल में भर के रख लें। अगर इसे आप बाहर रखेंगे तो 2 दिन तक ख़राब नहीं होगा, फ्रिज में आप इसे 4-5 दिन तक आराम से चला सकते हैं। गाइज़ ये इतना पावरफुल नुस्खा है कि ये टकले जो लोग हैं ना वो भी लगाएंगे तो उनके सर पे बाल आ जाएंगे, ऐसा इसका रिज़ल्ट आया है। देखने में ये छोटी सी चीज़ है ना, इसकी स्मेल आएगी ना आपको कोई प्रॉब्लम होगी, लेकिन जो असर आपके बालों में आएगा आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हो। और आपके बाल इस तरह से मैं स्प्रे बॉटल में अगर आप भर लेते हो तो आपके लिए ईजी हो जाता है। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप स्प्रे बॉटल में भर के रख लें एक बार बना के, और उसे रोज़ इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। नहीं भी झड़ रहे हैं तो अगर आपको बालों की और समस्या है, बाल असमय सफ़ेद हो रहे हैं, बालों की जो समस्याएं हैं सारी इससे ख़त्म होगी, स्पेशली झड़ना। तो ये देखिए सामने के बाल ज़्यादातर उड़ जाते हैं, तो इस तरह से आप स्प्रे कर लें। इसकी स्मेल नहीं है, धनिया की क्या स्मेल होगी आप तो समझते ही हो। तो इसे आप लगा के रख सकते हो, आप इसे कितना भी लगा सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। आप दिन में लगा लो, दिन भर लगा के रखो, 2 दिन तक लगा के रखो, इस तरह से आप बीच बीच में भी कर सकते हो स्प्रे। और ये आप रात भर लगा के सो जाओ, फिर सिंपल पानी से धो लो, लेकिन आपको अगर ज़्यादा समस्या है तो करना डेली है। इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और हर किसी को इसका फ़ायदा मिलेगा। और देखिए ना, आपकी कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी है, ना ही ज़्यादा। इस तरह से आपको स्कैल्प में लगाना है, आपको पूरे बालों में नहीं लगाना है, स्कैल्प में लगाना जहाँ जहाँ आपको लगता है। तो आप इसे करें और फ़ायदा उठाएं।